दो दिन बाद अखिलेश खेलेंगे फुल टॉस। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जारी किए निर्देश। गांव, गली, मोहल्ला और नुक्कड़, हर जगह होगा जश्न। देखिए क्या करने वाली है अब समाजवादी पार्टी, क्या रणनीति है जिस पर 14 तारीख को होगा अमल। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी अब मजे हुए राजनेता बनते जा रहे हैं। गलतियों से सीखने की बात तो दूर है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी अचानक से कुछ न कुछ बड़ा करके सुर्खियां बटोर लेते हैं, विरोधियों को चौंका देते हैं, कुछ इसी अंदाज में अब अखिलेश यादव भी सियासी पैतरेबाजी के आदि होते जा रहे हैं। और अब विरोधियों को चौंकाने का काम अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से करने की प्लानिंग बना रहे हैं। जो अखिलेश यादव की दूरदर्शिता पर सवाल उठाते हैं, उनको अब अखिलेश यादव दो दिन बाद ऐसा चौंकाने वाला सरप्राइज देने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अखिलेश यादव के बदले इन तेवरों और अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अखिलेश यादव का ये अंदाज जहां 2024 के आम चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है, तो वहीं इससे सपा को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। फायदा जहां लोकप्रियता में होगा, तो वहीं वोट बैंक के लिहाज से भी दो दिन बाद बड़ा कदम अखिलेश यादव उठाने वाले हैं। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भले ही विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी न मिली हो, लेकिन सीटों के मामले में अखिलेश यादव ने गजब की बढ़त बनाई, जो संकेत देता है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता जहां यूपी में बढ़ी है, तो वहीं अखिलेश यादव की नीतियों को लोग पसंद भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव भले ही सत्ता से दूर रह गए हों, लेकिन लोगों को अभी भी उन पर भरोसा है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को और मजबूती देने की फिराक में लगे हैं, और इसी के चलते पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से खास निर्देश भी जारी किए गए हैं, और साफ शब्दों में निर्देश दिया गया है कि सभी कार्यकर्ता पार्टी के निर्देश का पालन करें। सपा की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 14 अप्रैल 2022 को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता हर शहर, जिले, कस्बे, गांव में शाम के समय अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों एवं स्थानों पर स्मृति दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे। दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आजीवन संघर्ष किया था। अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बाबा साहेब वाहिनी के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले भी जमकर काम किया था, और जिसका कुछ हद तक फायदा भी सपा को मिला और सपा का वोट बैंक भी बढ़ा। अब बढ़े हुए वोट बैंक को साधने और इसमें बढ़ोतरी करने के लिहाज से ही अखिलेश यादव 14 अप्रैल को ये बड़ा आयोजन करने वाले हैं। देखना यह है कि अखिलेश यादव का ये आयोजन कितना कारगर साबित होता है और इसका कितना फायदा आने वाले वक्त में सपा को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।